सतगुर विच अमृत है। सतगुर विच अमृत है, सतगुर विच अमृत है। हर उत्तम हर पद सो सतगुर पुरख दयाल है। सतगुर पुरख सिद्ध हो।
सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। हर उत्तम हर पद सो हर उत्तम हर पद सो सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। नानक कृपा ते हर ध्या नानक कृपा ते गुरमुख पावे को गुरमुख पावे को गुरमुख पावे को सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। हर उत्तम हर पद सो हर उत्तम हर पद सो सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। सतगुर बिच अमृत है। सतगुर पुरख दयाल है। सतगुर पुरख दयाल है। जिसनो समत सब को जिसनो समत सब को एक दृष्ट कर देखदा एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध हो
अमृत है। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सतगुरु विच अमृत है। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत, सो अमृत गुर पाही जियो, सतगुर विच अमृत है। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वे सुभेख चतुराई, छोड़ो वे सुभेख चतुराई, दुबदाए फल नाही जी, सतगुरु विच अमृत है। दुबदाए फल नाही जी, मन रे मन रे थिर रहो, सतगुरु विच अमृत है। दुबदाए फल नाही जी, मन रे थिर रहो, मन रे थिर रहो, वाणी गुरु गुरु है वाणी, सतगुरु विच अमृत है। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी, विच वाणी अमृत सारे, सतगुरु विच अमृत है। विच वाणी अमृत सारे, मन रे थिर रहो, जरूरत थिर रहना चाहिए। दुबदाए फल नाही जियो, जिस जल निध कारण तुम जग आए। मैं तेनू यकीन दिवाना, गुरु कहिंदा सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश भेख चतराई, दुबदा दुचित्ता मन, एथों अमृत लवां के एथों अमृत लवां, एंदा अमृत ज्यादा सफल है कि एंदा अमृत ज्यादा सफल है। दुचित्ता मन, कई लोग पूछते हैं जी अमृत छकन नु चित करदा है, आम रोजाना जीवन दिया हंडाइयां हुई कुछ गल्लां ने, अमृत दी अभिलाषा वाला है, अमृत की चाहत रखने वाले, जिन्हां दे मन विच अमृत लई उमंग पैदा हुई होवे, ओ लोग भी अजे पुछदे ने
ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ ਹੋ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ ਹੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛੇ ਛੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਾਗਿਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ ਡੁੱਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀ ਡੁੱਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਦਾ ਛਕਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੈ ਦਿਚੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ
बहुत कुछ बदल रहा है। ते साजिशकार ने शब्दावली दे एक एक शब्द दे ओले विच मनुख नू सिखी नू कन्फ्यूज कीता है। उन्दे विचों सवाल खड़े हो रहे ने और जेड़े सवाल विचारे कर रहे ने वो अनपहल ने कन्फ्यूज होए होए ने। पहला शब्दावली नाल गुमराह कर लिया, हुण उन्हां विच आपे ही सवाल खड़े कर दिते ने। कुछ लोग आके कहंदे ने जी किस अमृत की गल करते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की आप गल करने, साडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब है। कहने बिल्कुल बजाय उन्हां दा सोचना, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। ते फिर सवाल खड़ा होंदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब विच किथे लिखिया खंडे दा अमृत, छकना जरूरी है, सवाल खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग सेवा विच खड़े ने, इन्हां ने अज एक सवाल सवेरे किया। सवाल सी जे भला अमृत ना छकीए तो सिख नहीं होईदा, अमृत छक के सिखी विच प्रवेश हुंदा है। मैं दूर दी गल नहीं करना चाहता, बहुत नेड़े दी करना चाहता। सवाल पैदा हो गया ना। कुछ लोग ये कहंदे ने किथे लिखे है जी खंडे दा अमृत छकन वास्ते, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ते है नहीं। और इस गल दा कन्फ्यूज होया होया नजायज फायदा उठाण वाले कुछ लोग होर भी पैदा हो गए। वो ये भी आखन लग पे कि खंडे दा अमृत तां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आके तैयार किया है। रोजाना जीवन दी गल्लां सांझियां कर रहे हैं। पिछले दिनों विच जो इश्तहार देना सी ते मैं बच्चे नूं बेनती कीती, मैं आख्या नहीं गुरु दा सिखी दा खालसे दा सिरजना दिहाड़ा नहीं संपूर्णता दिहाड़ा लफज वरतना है। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ही खालसे दी सिरजना कीती, गुरु नानक ने की कीता, गुरु अंगद साहब ने की कीता। बड़ी सोहनी गल अज भी भाई साहब आख रहे सन कि गुरु नानक ने ही न्यारा खालसा तैयार करना शुरू कर दिता से। पर जदों ये लफज लोगों नूं गुमराह करन लई विच पैदा कर दिते गए, सवाल खड़े हो गए भी खंडे दा अमृत तां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ही तैयार किया। तां इस तों पहला खालसा कोई नहीं सी, ते कुछ लोग इस दी आड़ विच ये भी कहन लग पाए भी चलो जी असी फिर नौ पातशाहियां दे सिख ही सही, दसवीं पातशाही दे ना सही। बिलास नाल लोगों ने क्योंकि एक ख्याल करियो, आपां ये स्थान केवल विचार करन लई विचार दे खेत्र विच जाण लई बनाया है। कहिंदे ने जिन्होंने अमृत ना छकना हो गए ना, वो ये कहन लग पे चलो जी असी नौ पातशाहियां दे सिख ही सही। सिंधी वीर जेड़ा कि सतारी भी नहीं होंदे ज्यादा, वो अपने आप नू गुरु नानक दा सिख अखवांदे ने। वो अपने आप नू गुरु नानक दा सिख अखवाना पसंद करदे ने। अज भी जाके देख लियो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का पुरब नहीं मनाते। पुरब भी उत्साह नाल गुरु नानक पातशाह जी का मनाते हैं।
ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪ ਘੁੱਸਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਸਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਥ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸਤ ਲਈ, ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ, ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਪੰਥਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ?
इसे तरह लो आज वाले पास मैं आना चाहना इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाणी अमृत शब्द अमृत बार बार दोहराया गया अमृत बाणी हर हर तेरे अमृत बाणी हर हर तेरे गुर अमृत भिन्नी देहुरे अमृत बुर के राम राजे सत गुरु विच अमृत है अमृत बचन सतगुर की बाणी गुरु दे अंदर अमृत है वस्तुओं की लोड़ है मैं वस्तुओं तो गुमराह नहीं करना चाहता बिल्कुल एक गल नूं फिर स्पष्ट कर दिया कोई इंदा अज दे इस विचार का मतलब ये ना समझे कि मैं खंडे बाटे दे अमृत का विरोध कर रहा बिल्कुल नहीं मैं स्पष्ट करना चाहना क्योंकि विचारना बहुत जरूरी है ये गुरु दे अंदर अमृत है वो किवें तैयार होया है तो बणी आख रही है सतगुरु विच अमृत है जे गुरु दे अंदर अमृत है तो किवें तैयार होया है अंदर कोई बाटा गया है अंदर कोई खंडा गया है अंदर कोई पतासे गए ने अंदर कोई जल गया वो किवें तैयार हो गया इन्हें वस्तुओं की लोड़ है मैं नहीं कहता नहीं लोड़ पिछले दिनों च मैरस की जो अमृत दा कंसैप्ट इत्थे चलिया सी कि ये चीज़ा बड़ी सूझ ते बख्शिश नाल शामिल कीतियां गईयां ने खंडे की शक्ति है वो शक्ति का केवल प्रतीक एक ख्याल बख्शिश रूप में शक्ति लेना है मौत नूं घोट पीण वाला बाटा एक संभाल का प्रतीक है पतासे एक मिठास का प्रतीक ने जल निम्रता ते शीतलता का प्रतीक है निर्मलता का प्रतीक है सारिया चीज़ा इकट्ठिया कीतियां ने इन चीज़ा नू इकट्ठिया सारिया नू कर लो ते बाणी ना पढ़ो अमृत बन जाएगा खंडे की थां ते कृपाण नाल अमृत छकाया जाता है अज भी हजूर साहब जाओ उत्थे बीबिया नू जिहड़ा अमृत छकाया जाता है वह कृपाण दा छकाया जाता है कृपाण नाल कई थावां ते अमृत छकाया जाता है वह छड़ दिओ रहतनामे सारे पढ़ लो हिस्ट्री पढ़ लो उत्थे किसे थां ते कृपाण लिखिया होया है किसे थां ते करद भी लिखिया होया है पढ़ सकते मैं इसलिए करना जड़िया चीज़ा साड़ी स्टडी तो बाहर ने मुश्किल साड़ी बन जाती है वह हर आदमी अनुभव हो जाता है कई थावां ते करद लिखिया होया कई थावां ते कृपाण लिखिया होया कई थावां ते खंडा लिखिया होया वस्तुआं ने इन्हां दी बहुत जरूरत है इन्हां नूं त्यागना बिल्कुल नहीं इन्हां नूं शामिल बिल्कुल अमृत छकाने वेले करना पर देखना यह है कि यह चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच्चों महत्ता कि चीज़ की है जे पहला बाणी ना पढ़ो सारिया चीज़ां इकट्ठियां कर लो अमृत बन जाएगा इन्हां सारिया चीज़ां नूं अमृत रूप तां देना बाणी ने ते केड़ी अजीब गल है ना इस अमृत दा गुरु ने नहीं रखिया एक ख्याल करियो गुरु गोबिंद सिंह साहब दी किसे किरत विच अपनी रसना तो अपनी बाणी विच इंदा ना खंडे दा अमृत नहीं रखिया गया नहीं रखिया गया यह दूजे भाई गुरदास ने लफज वरत्या जिन्हें कालका का लफज वरत्या गुरसिमर मनाई कालका खंडे की वेला पियो पाहल खंड धार होए जन्म सुहेला
दूजे भाई गुरदास का जिन्हों मानता नहीं मिल रही, जिहड़ा कालका की उपासना सिखा रहा है, गुरु नूं कालका का उपासक बना रहा है, उनका वरत्या होया लफ़ज़ है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ज श्री गुरु ग्रंथ साहब ने नहीं वरत्या वर्तन, मेरा मतलब यह नहीं कि इसकी लोड़ नहीं, खंडे की लोड़ है, पर अमृत का नाम खंडे ते आधारित ही क्यों किया गया जे इनकी थां ते बाणी ते आधारित हो जाता, नाम ही रखना सी गुरु ने तो रखा नहीं। अमृत का नाम बाणी ते आधारित श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रवान कर रहा है, जे भला इसका नाम बाणी अमृत रख दिता जाता तो कोई कह सकता सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब इस अमृत का जिक्र कोई नहीं, हर किसी सिर झुकाना पैंदा, ठीक है जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब आख रहे हैं बाणी अमृत है, बाणी नाल अमृत जिंदा बनाया, बजाय खंडे खंडे का लफज क्यों महत्ता बाणी नालों ज्यादा दिती गई, क्योंकि मनुख ने सतूल का पुजारी बनाना सी सिखी नूं, खंडा सतूल है बाणी सूक्ष्म है, खंडा सतूल है शब्द सूक्ष्म है। एक ख्याल करियो, सथूल दे अंदर सूक्ष्म जा सकता है, सूक्ष्म दे अंदर सथूल नहीं जा सकता, प्रकृत क्रिया है। सथूल दे अंदर सूक्ष्म जा सकता है पर सूक्ष्म दे अंदर सथूल नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। पर एक में असी खंडे का अमृत नाम रखिया क्योंकि मनुख नूं सथूल का पुजारी बनाना सी, ते ओ सथूल का पुजारी जिहड़ा बन रहा सी ओही मूर्ति पूजा कर रहा सी, उहनूं रब नहीं सी दिस रहा, कोई सथूल का पुजारी पत्थर की पूजा कर रहा सी उहनूं भगवान नहीं सी दिस रहा, कोई सथूल की पूजा करनी। हुण सथूल की पूजा करने वाले ने अमृत नूं नाम बाणी का नहीं दिता, हालांकि गुरबाणी अंदर स्पष्ट एक गल कही जा रही है, सतगुर बचन अमृत बचन सतगुर की बाणी, गुरु दे अंदर अमृत है ते जदों मुंह बोलदा बचन करदा बाणी उचारण करता है बख्शिश करता है तो मन में अमृत के झरने फुट पैंदे ने, वो छिट्टे मारदा है सिखी ते अमृत बुरके राम राजे, ते जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छके, छकदा ही अमृत वो है जिन्हां नूं गुरबाणी नाल प्यार हुंदा है, फैसला गुरबाणी दा। हुण इहनूं झुठला के कोई आख सकदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अमृत कोई नहीं, खंडे दे अमृत जदों खंडे दा नाम लवांगे उदों आखेगा किसी नूं एक साधन मिलेगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच खंडे दे अमृत की कोई गल नहीं, जे पलायन दा नाम बाणी अमृत ही रख दिता जांदा, रख्या ते असी है अरज कीती गुरु वल्लों खंडे दे अमृत दा नाम बिल्कुल नहीं। ये जिन्हां ने पंथ शब्द की वरतों करनी सी, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं गुरु नानक नालों गुरु अर्जन पातशाह नालों गुरु तेग बहादुर पातशाह नालों वख करना सी, ते ए आखन दा हक देना सी वी चलो असी नौ पातशाहियां दे सिख ही सी, चलो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख ना सी असी गुरु नानक दे सिख ही सी, उन्हां नूं गुरु नानक नाम लेवा आखन लग पए, एक संप्रदाय वक्री बना दिती गई। ऐसियां बड़ियां साजिशां नाल पहले दिन तो साढ़े पिछे एक कन्फ्यूज करन दा साधन बनिया रहा। इसकी पलेओ एक गल बड़ी स्पष्ट करना चाहना, सानू अमृत लई इन्हां वस्तुआं दी लोड़ है, इन्हां नूं त्यागना नहीं, खंडा बाटा पतासे जल, पर अमृत बाणी ने बनाउणा है। इहो कारण है कि अमृत छकन तो बाद भी रोज बाणी पढ़न दा हुक्म क्यों होया, ताकि अमृत हर रोज मेनटेन हुंदा रहे, बाणी जीवन दी शैली बनाउंदी है,
बाणी जीवन का डिसिपलिन बनाउंदी, बाणी अपने आप च जीवन की सिक्ख्या की सिक्ख्या देंदी। असल तो अमृत है ही बाणी, इसलिए गुरु आख रहा अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। कि स्पष्ट है जिन्ना गुरबाणी मन पाइया अमृत छक छके, उन्होंने अमृत छकिया जिन्हों का संबंध गुरबाणी नाल जुड़िया। असी खंडे का नाम दे के बाणी नू पिछे छड़ के मनो सूक्ष्म नालों तोड़ के, गुरु नालों तोड़ के, रब नालों तोड़ के एक सथूल नाल जोड़ दिता। हुण सथूल का नाम क्योंकि बाणी विच है नहीं सी, लोगों नू एक कहन दा एक हक मिल गया जी। खंडे का अमृत तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में जिक्र, ये कितने तो जरूरी है जो असी गुरु के हुक्म ही रहना है तो गुरु साडा श्री गुरु ग्रंथ साहब है, वह तो खंडे की अमृत का हुक्म कर ही नहीं रहा। एक नवा शोशा बन गया, इसलिए भरियो एक गल समझनी है कि अमृत बचन है सतगुरु की बाणी। ओ खंडा बाटा पतासे पानी सारा कुछ एकत्र करना है, पर एक गल मन अंदर विश्वास रखना है कि बाणी अमृत ने ही अमृत बनाना है, बाकी सारिया चीज़ा एक साधन ने। असल विच अमृत का रूप जेड़ा है वो बाणी ने देना है, तो जदों असी बाणी नू अमृत आखांगे तो फिर बाणी है गुरु, फिर कोई ये नहीं आख सकेगा ये खंडे का अमृत छकन चले हैं, लोग आखन कि गुरु का अमृत छकन चले हैं। कि अजीब गल है, हुण तो लोग खंडे का अमृत इन्ना कहन लग पए ने कि यह भी भुल गए ने कि गुरु का अमृत, खंडा गुरु हो गया। और उन्होंने लोगों ने प्रचलित किया जिन्होंने शस्त्र पूजा शुरू कराई, तो जिन्होंने कृपाण नू भी खंडे नू भी आखिया ये सैफ सरोही साहे थी यही हमारे पीर, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नू दरम्यान विचों कढ़ना सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब नू दरम्यान विचों पासे करना सी, शस्त्रां दी इन्हां चीज़ां दी सथूल दी पूजा वाले पासे लाउणा सी। इसलिए उन्होंने बाणी अमृत का नाम खंडे का अमृत रख लिया। खंडे की लोड़ है उनकी अनहोंद दे लई मैं बिल्कुल नहीं कहिंदा, सिर्फ इस अमृत का नाम जिस अमृत की याद विच जिस अमृत की खुशी विच आज एकत्र होए हो इसका नाम बाणी अमृत है, इसका नाम गुरु अमृत है, क्योंकि बाणी अमृत गुरु दे अंदर वसदा है, ते बाणी जदों बख्शिश करके गुरु उचारण करता है तुहानू बख्शिश करता है उदों मन नू तुहाडे ते अमृत दे छिट्टे दिंदा है। इहो गल सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने, गुर अमृत भिन्ने देहो रे हर अमृत बुर के राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन भाईया, जिन्ना गुरबाणी मन भाईया, अमृत छक छके मन रे स्थिर रहो, स्थिर रहो पटकना छड़ दे दुबदा विच ना पए, केवल गुरु ही अमृत है ते बाणी है गुरु, इसलिए ये बाणी दा अमृत है। बाकी तो वस्तुआं ने वस्तुआं एकत्र करके उन्हां उत्ते बाणी दी शक्ति नाल अमृत तैयार होया है, जिसनू असी बाणी अमृत समझ के गुरु अमृत समझ के ग्रहण करना है। गुरु कहिंदे ने मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावा, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावा, कर अमृत कर अमृत कट माही जियो,
सतगुरु विच अमृत है, सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सो, हर उत्तम हर पद सो, सतगुरु विच अमृत है, सतगुरु विच अमृत है, सतगुरु विच अमृत है। असल विच बहुत देर तो साडे मगर एक साजिश पई हुई है, जेड़ी पहला साडे विच शब्दावली बदल दी, शब्दावली एहो जी प्रचलित कर दित्ती जांदी है कि लंबे समय पैण नाल असी उस शब्दावली नाल जुड़ जाने हैं, जिवें पंथ शब्द दी शब्दावली शख्सियतां नाल व्यक्तिगत नाल जोड़ दिती गई, ते आज व्यक्तिगत हुक्म होने शुरू हो गए, पंथ दा हुक्म है। इसे तरह शब्दावली अमृत रूपी बाणी रूपी अमृत तो अमृत पैदा होने वाली, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, जिस अमृत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहब विच्चों बार बार हुक्म हो रहा है, उस लफज़ नूं बदल के इंदा नाम दे दिता नाल खंडे दा, ते इन्ना ज़्यादा प्रचलित कर दिता कि सुन सुन के अज मनुख नूं गुरु भी याद ना रहा, कहन लगा मैं खंडे दा अमृत छकना है, खंडे दा अमृत छकना है। क्यों? क्योंकि साहिब सरोही साहिब थी यही हमारे पीर, ये भी मेरा गुरु है। नहीं, साडा गुरु बाणी है, साडा गुरु शब्द है, साडा गुरु बाणी दा केंद्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, बाकी सारियां साडियां लोड़ दियां वस्तुआं ने, खंडा बाटा पतासे पानी सब कुछ एकत्र करना है, पर नाम बाणी अमृत है। जदों असीं बाणी अमृत रखांगे विश्वास नाल, फिर किसी नूं ये हक नहीं बनेगा कि कोई ये आखे कि खंडे दा अमृत गुरु गोबिंद सिंह साहब दा है, मैं नौ पातशाहियों दा सिख ही सही। नहीं, फिर साडी सिखी एकता एकत्रता पैदा होवेगी, शक्ति पैदा होवेगी, सानू हर थावें बाणी अमृत विच्चों सजया होया एक खालसा दिसेगा। इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जा चखां, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।